अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। भगवान राम के अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली बारिश है। इसी बीच कुछ इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि पहली बारिश में ही मंदिर की छत टपकने लगी। समस्या गंभीर है क्योंकि मंदिर के किसी और हिस्से से नहीं बल्कि गर्भगृह की छत से ही पानी टपकने का मामला सामने आया है, ठीक वहीं जहां रामलला विराजमान है। ये दावा मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने किया है। अब इसे लेकर राम मंदिर निर्माण समिति की ओर से सफाई भी सामने आई है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मैंने खुद मंदिर की पहली मंजिल से बारिश का पानी टपकते देखा है। इसके पीछे वजह ये है कि फिलहाल मंदिर की दूसरी मंजिल पर निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके कारण छत पूरी तरह से खुली हुई है, जिस पर पानी भर गया और टपकने भी लगा। लेकिन दूसरी मंजिल की छत अगले महीने के अंत तक डाल दी जाएगी, जिससे यह समस्या हल हो जाएगी। फिलहाल गर्भगृह का पानी मैनुअल तरीके से निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि जल निकासी की उचित व्यवस्था ना होने से मंदिर समिति मंदिर के डिजाइन पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पर मिश्रा ने कहा कि गर्भगृह में कोई नाली नहीं है, क्योंकि गर्भगृह का पानी अपने आप ही सोख लिया जाता है। बाकी मंडपों में ढलान और जल निकासी की व्यवस्था है, इसलिए वहाँ पानी जमा नहीं होता। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण समिति करोड़ों राम भक्तों को आश्वस्त करना चाहती है, मंदिर के निर्माण में कोई गलती नहीं है और न ही कोई लापरवाही है।